रायपुर से राहत भरी एक खबर सामने आई है। दरअसल नर्सिंग स्टाफ के संपर्क में आए 14 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। नर्सिंग स्टाफ के सदस्य को कोरोना के बाद लिए गए थे ये सैंपल, जिसमें रायपुर एम्स ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ से मिले लोगों की जानकारी जुटा रहा एम्स प्रबंधन। और प्रबंधन के अनुसार नर्सिंग स्टाफ जिनसे भी मिला उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और साथ में सैंपल भी लिए जा रहे हैं। एक अच्छी खबर यही है कि रायपुर में एम्स के जो डॉक्टर हैं, पहले उनकी सभी रिपोर्टें नेगेटिव आई थी और उनके संपर्क में आने वाले 14 लोगों की रिपोर्ट भी ली गई थी, वो भी नेगेटिव आई। तो ये एक राहत भरी खबर है और उससे भी अच्छी बात यह है कि सबसे कम मामले छत्तीसगढ़ में हैं। जो मामले सामने आए भी थे वो भी ठीक हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा श्रोता सुप्रिया पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। सुप्रिया, ये लगातार तीसरी अच्छी खबर छत्तीसगढ़ रायपुर से मिल रही है, अपडेट्स क्या मिल रहे हैं? बिल्कुल, ये अच्छी खबर सामने आ रही है। नर्सिंग स्टाफ जो है जितने लोगों के संपर्क में रहा है उन सभी की जांच की जा रही है और जो कल ही हमने ये ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 14 लोगों के जो रिजल्ट है वो निगेटिव आए हैं, तो इस तरीके से सभी के जो रिजल्ट है वो निगेटिव ही आ रहे हैं। हालांकि जो जाँच है वो बाकी है, 90 लोगों के संपर्क में वो आए थे और साथ ही जो हिस्ट्री है उनकी 20 दिनों की जो हिस्ट्री है पिछले वो खंगाली जा रही है और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि वो किनके किनके संपर्क में आए थे, कहाँ कहाँ गए थे। तो इस तरीके से जिन जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी उन सभी की हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है। जी सुप्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आ रहे हैं।